ये है जी मतम अल दस्तूर, और ये पाकिस्तानी होटल है। इस होटल में आकर तकरीबन 50 पाकिस्तानी खाने मिलेंगे। ये इनका आउटसाइड लुक है, और इस लुक से तकरीबन आप देख सकते हैं किस तरह खाना और चीज़ें तैयार होगी। थोड़ा सा इधर खोल के दिखाना। ये तकरीबन अभी मटन सुलेमानी तैयार हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम और लगता है। ये लहसुन है, अदरक है, लहसुन लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला साबुत डाल दें कटी बस साबुत ठीक है। ठीक है, बात करते जो होता है हो गया हमारा बस। और नहीं ज़्यादा हो जाए, नहीं वो थोड़ी जब निकल लिया मेरे मरीज है जो कमरे असलम भाई पहले ये बताइए कि आप बनवा क्या रहे हैं? मैं मटन सलमानी बनवा रहा हूँ। मटन सलमानी बना रहे हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या? मैंने देख तो लिया है, सिर्फ उसमें सिर्फ ये सब अदरक बनता है, काली मिर्च का मटन सलमानी करना होगा। हमें से तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसे गोश्त को टेंडर होने में, गलने में 25 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। अब इसमें ऐड होगी दही, तो दही का ऐड होना बहुत ज़रूरी है इस मकान पर, ताकि इसकी प्रॉपर ग्रेवी बन सके। ताकि नीचे से ये लग लगे एक तरफ।
तैयार हो गए मैं जा रहा नमाज पढ़ना ਇਹ ਸਿਰ ਫਰੀ ਵੀ ਅਦਰਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਨਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ पानी गर्म कर थोड़ा सबर तो कर दें मटन सुलेमान तैयार हो गया और अदरक को पतली पतली बारीक तो है लहसुन का पेस्ट है और मटन सुलेमानी तैयार हो रहा है और ये पहले से बॉयल कर दिया गया उसमें ऑयल डाला गया ऑलि के बाद इसमें यासीन है
बड़े मुख्य हमारी तरफ मलाई बोटी और मगल है दूध पत्ती तैयार हो रही है जी ये यहाँ पर और वो कहीं पाए थी ठीक है जी ये वो है गिश्ता है। अच्छा तो ये सालन वगैरह में डलता है जी जी कढ़ाई में डालते हैं मैं समझा कहीं ये चाय के लिए रखा होगा नहीं नहीं आजकल ऐसे कंडेंस मिल्क भी तो आता है जिसका ये वाला है जी जी ये चाय का दूध है जी जी मैं सोच लिया सफाई के लिए मान है और सफाई के लिए आप आपके रूप में कर सकते हैं और जैसे होते जैसे ही आप चीज़ों को साफ रखेंगे जैसे ही आपको चीज़ें बेहतरीन और अब आते हम आटे की तरफ आटा हाथ से गूंथते हैं या मशीन से गूंथते हैं मशीन से आटा तो रोज का कितना आटा लग जाता है आपका आठ बोरी आटे की लग जाती है 40 किलो वाली एक दिन में कितनी रोटियां बना लेते हैं एक दिन में यानी आपकी ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी है 8 घंटे की ड्यूटी है 12 घंटे में कितनी रोटियां तैयार कर लेते हैं आप 4000 रोटी आप अकेले तैयार करते हैं आपके साथ लड़के भी सपोर्ट करते हैं सही।
हम देखते हैं कि यहाँ पे ये टिक्के के लिए सलाखें तैयार की जा रही हैं और गोश्त को सलाखों पे चढ़ाया जा रहा है। तो एक सलाख में कितनी आप बोटियाँ लगाते हैं जी? चार पीस लगाते हैं। सही। तो इस चार पीस का क्या रेट क्या होता है? एक प्लेट का रेट होता है। प्लेट में कितनी सलाखें होती हैं? आठ पीस होते हैं, यानी कि दो सलाखें आप एक प्लेट में। तो उसका क्या रेट लगाया? 17। अच्छा, 17 रियाल। जी बिल्कुल सही है, वो रियाल वाली बात है। ये Thank you.
उसके बाद ये पैकिंग है, सेलोफेन पैकिंग है, ताकि किसी भी चीज़ की कोई जहाँ की बंदियाँ होंगी इन्हें सर्टिफिकेट्स दिए होंगे, वही है सर्टिफिकेट्स रिक्वायरमेंट्स हैं कि इनके जो जितने भी स्टाफ है उसका मेडिकल ओके होना चाहिए, दूसरा उसकी कुकिंग और हाइजीन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और फिर ये सारे रेट्स बाकायदा तौर पर ये अपनी ये अंडा है, ये हलीम है, ये हलीम हो गई, ये दाल मूंग मसूर, दाल मूंग मसूर हो गई, ये आलू मटर, आलू मटर सब्जी में आ गई, सही। जलफ्रेजी आ गया जी, ये बिरयानी। अच्छा यहाँ पे कूलर गर्म है नीचे से सारा इसके? हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त है। अच्छा हीटर लगा हुआ है, ये चाइनीज़ चावल है। सही। ये सफ़ेद चावल इसके साथ अल्फा हमारा है। सही। तो इसका क्या रेट है यहाँ पे? इसका 5 रियाल रेट है। 5 रियाल का। और इसका चाइनीज़ का 8 रियाल है। चाइनीज़ का 8 रियाल। ये बिरयानी 14 रियाल का है। 14 रियाल का। जलपुरी जी 16 रियाल। अच्छा सब्जी 9 रियाल का। 9 रियाल की सब्जी, ठीक है। दाल भी 9 रियाल। ये क्या? आलू बैंगन। आलू बैंगन इनकी, ये भी सब्जी है? ये भी सब्जी। ये भी 9 रियाल की? ये भी 9 रियाल का है। अच्छा। और हलीम? हलीम जो है ये 12 रियाल का है। कितना? बेहतरीन 12 रियाल। 12 रियाल। अच्छा अच्छा। और ये अंडा कोफ्ता भी 12 रियाल। ये अंडा कोफ्ता है? ये अंडा कोफ्ता है, कोफ्ता भी है लेकिन अच्छा कोफ्ता खत्म हो गया। नहीं, एक तो फिर रश है ना इसी टाइम पे। सही सही सही। अच्छा बिरयानी उधर में तैयार है वो ज़बरदस्त। आप लोगों ने चीज़ों की तरतीब रखी है, सफाई बहुत अच्छी है। और ये देखिए इसकी सेलोफेन पैकिंग करते हैं, बहुत बेहतरीन किस्म की, ताकि किसी को भी कोई एतराज़ ना हो इसका। क्लीन नीट एंड क्लीन। ये एक पेड़े का कितना वजन होता है आपके? एक सौ नब्बे ग्राम का पेड़ा। तो ये कितने की एक रोटी मिलती है? एक रियाल दी 2 रोटियां। अच्छा यानी कि साढ़े पाकिस्तान से 40 रुपये की रोटी बन जाती है।
200 ग्राम दी तकरीबन पाई आ तो थोड़ी जी घट वजन चंगा होता है। सही 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 जबरदस्त जी बिरयानी का नया आइटम नया ब्लॉक तैयार हो गया है। कितनी देर में बिरयानी तैयार कर लेती हैं जी? बिरयानी पौने घंटे में तैयार होती है। अच्छा बिरयानी में आप फ़र्ज़ करें आपने 2 किलो बिरयानी बनानी या 3 किलो चावल लेने हैं तो उसमें गोश्त की क्या होगा वज़न होगा? और 3 किलो चावल डालते हैं ना उसके अंदर 2 किलो गोश्त डालते हैं। 2 किलो गोश्त डालते हैं तो बोटी बोटी का साइज़ दरमियाना रखते हैं या बड़ा साइज़ रखते हैं? नहीं अगर मुर्गी की बिरयानी बनाती एक मुर्गी की या 16 मुर्गियाँ 16 पीस होते हैं। सही है तो उन 16 पीसों से ये पूरी की पूरी बिरयानी अगर 16 तकरीबन 3 किलो आए तो उसके अंदर मुर्गी भी 2 किलो डालते हैं तो 16 से 16 32 पीस होते हैं। सही ठीक है ना 32 पीस इसके यानी कि 32 पीस के 2 किलो हो जाएगी तकरीबन 2 किलो हो जाएगी। सही ये जी बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये मसाले हैं और टोटल पाकिस्तानी मसाले हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हरी मिर्च और हरा धनिया भी फ्रेश मिलता है। ये देखिए ये भाई हरी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं धनिया का इस्तेमाल कम करते हैं कोई भी चीज़ तैयार करेंगे उसके लिए। साथ में ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जी। अभी आप क्या तैयार कर रहे हैं? कीमा तैयार कर रहे हैं। कीमा कितना ऑर्डर आया आपके पास? 1 प्लेट। 1 प्लेट आया। आप टमाटर का पेस्ट नहीं इस्तेमाल करते? ताज़ा टमाटर इस्तेमाल करते हैं। आप दही का इस्तेमाल नहीं करते इसमें? Thank you.
बस बाहर